अभ्यास कार्य, इसमें क नंबर दिया हुआ है सही विकल्प पे आगे टिक कीजिए। ओके, फर्स्ट नंबर है गांधी जी की गोपाल कृष्ण गोखले के प्रति श्रद्धा थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मित्र के भांति, गुरु की भांति की कारोबारी की भांति, तो इसमें राइट आंसर है गुरु की भांति। सेकंड नंबर गोपाल कृष्ण गोखले के डैडेश में सलवटें पड़ गई थी, कुर्ते में, कोट में कि दुपट्टे में, तो दुपट्टे में। थर्ड नंबर है गोखले जी ने गांधी जी से क्या कहा था, मैं डैडेश की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर सकता हूँ लेकिन धोबी के रूप में नहीं। इसमें जज, आंदोलनकारी की वकील, तो इसका आंसर है वकील। फोर नंबर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम में डैडेश की कमी थी, भोजन, पानी, प्रकाश, तो इसका आंसर है पानी। फाइव नंबर है गांधी जी कपड़ों को डैडेश में सुखाने पर जोर देते थे, धूप में, छाया में कि कमरे में, तो इसका आंसर है धूप में। इसमें ख नंबर दिया है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट नंबर है मित्र ने मजाक में पूछा, गांधी तुम्हारे डैडेश को क्या हुआ, तो इसमें मुंह की बालों, इसमें आंसर रहेगा बालों। सेकंड नंबर गांधी जी डैडेश पर बहुत ध्यान देते थे, इसका आंसर है अपनी पोशाक। थर्ड नंबर गांधी जी डैडेश तो स्वयं बना सकते थे परंतु सिर के बाल काटना टेढ़ा काम था, इसका आंसर है दाढ़ी। फोर नंबर है गांधी जी को डैडेश पसंद थी, इसका आंसर सादगी। फाइव नंबर मैं डैडेश के लिए कोई भी काम करने में नहीं शर्माता, आंसर है सफाई। ओके, ग नंबर दिया हुआ है कि सही कथन के आगे राइट का सिंबल है तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का सिंबल लगे। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर हमारे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के यहाँ आकर ठहरे, इसका आंसर राइट है नहीं, रॉन्ग है। ओके, सेकंड नंबर है गांधी जी को किसी महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था, रॉन्ग। थर्ड नंबर गोखले को गांधी जी द्वारा दुपट्टे पर स्त्री करने की योग्यता पर भरोसा था, राइट। फोर नंबर गांधी जी को दूसरे के कपड़े धोने में कोई शर्म या छोटापन नहीं लगता था, राइट। फाइव नंबर है उड़ीसा में एक श्री नाई ने गांधी जी की हजामत बनाई, राइट है। ओके, इसमें ड नंबर दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि गांधी जी को गोखले जी के दुपट्टे पर स्त्री क्यों करनी पड़ी, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि गांधी जी को गोखले जी के दुपट्टे में स्त्री इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इतना समय नहीं था कि दुपट्टे को धोबी से धुलवाया जा सके, इसलिए उन्हें अर्जन में स्त्री करनी पड़ी। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गोखले जी गांधी जी से स्त्री क्यों नहीं कराना चाहते थे, तो गोखले जी गांधी जी से स्त्री इसलिए नहीं करवाना चाहते थे कि क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि गांधी जी स्त्री सही प्रकार से करेंगे और वह दुपट्टा उनके लिए बहुमूल्य था। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है गोखले जी को दुपट्टा किसने भेंट दिया था, तो गोखले जी को दुपट्टा उनके गुरु महामती रानड़े जी ने दिया हुआ था। ओके, तो फोर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है गांधी जी ने आश्रम वासे स्त्रियों की साड़ियाँ क्यों धोई, इसका आंसर दिया हुआ है क्योंकि उनकी साड़ियाँ बहुत ही मोटी और भारी हुआ करती थी और आश्रम में पानी की कमी होने के कारण उन्हें साड़ियाँ धोने दूर एक सोते पर जाना पड़ता था जिस वजह से वे बड़बड़ाती थी। यहाँ पर फाइव नंबर क्वेश्चन दिया है गांधी जी को अपने बाल स्वयं क्यों काटने पड़े थे, क्योंकि एक गोरे नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया था, तो वह उनके बालों को हाथ नहीं लगाने के कारण उन्हें अपने बाल स्वयं ही काटने पड़े। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी द्वारा गौनों की बात पर श्री जो है वो क्यों रो पड़ी थी, इसका आंसर है क्योंकि वह गहने जो है वह उधार मांग कर लाई थी। ओके, इसमें भाषा व्याकरण, इसमें क नंबर दिया है कि भाववाचक संज्ञा बनाई। इसमें फर्स्ट टाइम मित्र, तो मित्रता का मित्रता। सेकंड नंबर लोकप्रिय, तो इसका लोकप्रियता। थर्ड नंबर गुरुता। अभद्रता। माता मातृत्व। शत्रुता। पिता पितृत्व। एंड कम का कमी। ओके, तो इसमें ख नंबर दिया हुआ है स्थूल छपे पदों का संज्ञा भेद लिखिए। इसमें फर्स्ट नंबर दिया है गांधी जी ने दुपट्टे पर स्त्री की, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर है गोखले जी ने गांधी जी को स्त्री करने से मना किया, ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, ये व्यक्तिवाचक। फोर नंबर वे नहाने के लिए गुसलखाने में गए, ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। फाइव नंबर है धूप में जीवाणु मर जाते हैं, ये हुआ समूहवाचक संज्ञा। इसमें ग नंबर दिया है इनके स्त्रीलिंग लिखिए, जैसे कि फर्स्ट है धोबी, तो इसका धोबन, ये ग्वाला ग्वालिन। थर्ड नंबर नाई नाइन, बैल गाय, जाट जाटनी, नेता महिला नेता, हाथी हतिनी, चूहा चूहिया।
इसमें चौ नंबर दिया है कि बहुवचन लिखिए। फर्स्ट है धोती धोतिया, चूहा चूहे, साड़ी साड़िया, उस्तरा उस्तरे, अंगोछा अंगोछे, चूड़ी चूड़िया। इसमें ट नंबर है कि लिंग निर्णय कीजिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है अंगोछा, ये है पुल्लिंग। सेकंड उस्तरा पुल्लिंग, चूड़ी श्रीलिंग, गांधी जी पुल्लिंग, साड़ी श्रीलिंग एंड गोखले जी पुल्लिंग, नाई पुल्लिंग। और एट नंबर लास्ट है अध्यापक, ये हुआ पुल्लिंग। इसमें छह नंबर दिया है कि विशेषण बनाइए। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया है हर्ष, इसका हर्षित। सेकंड नंबर सफेदी सफेद, सुख सुखी, योग्यता योग्य, दुख दुखी, गंदगी गंदा, झूठ झूठा, मोटापा मोटा, चोरी चोर, भार भारी। ओके, इसमें छह नंबर दिया हुआ है उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप लिखिए। फर्स्ट नंबर चलना चलाना, लिखना लिखाना, बनना बनाना, पीना पिलाना, पढ़ना पढ़ाना, खाना खिलाना, देखना दिखाना और उठना उठाना। ओके, तो इसमें ज नंबर लास्ट दिया है कि ई प्रत्यय जोड़कर शब्द नए शब्द बनाइए। तो इसमें फर्स्ट नंबर दिया है चोर प्लस ई, तो इसका हुआ चोरी। और सेकंड है जंगल प्लस ई जंगली, दोष प्लस ई दोषी, कीमत प्लस ई कीमती एंड सरकार प्लस ई सरकारी, बहादुर प्लस ई बहादुरी एंड सेवन नंबर है बेवकूफ प्लस ई बेवकूफी, लास्ट है चल प्लस ई चली। ओके, ये हमारे